है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब होता है पावर के रूट्स, स्क्वायर रूट्स या पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चंस इस पे एग्जाम में आते हैं, ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। नंबर सिस्टम में मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो हेडिंग डाल दीजिए सर्ड्स एंड कुछ उसके कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलास को समझ लीजिए क्या है। अब सर्ड्स के अंदर अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि पावर के कुछ रिलेशंस होते हैं अपने बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पार्ट फॉर्मूलास बता रहा हूं, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, इन दोनों में बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आप कहेंगे ए बी रेस टू द पावर एम। गॉट इट? अब अगर मैं कहूं कि बेस सेम हो जाए, बेस सेम है, देन पावर गेट एडेड, देन पावर गेट एडेड, पावर जो है वो एड हो जाएगी, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, चाहे चार टर्म हो, दैट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। थर्ड, a की पावर m टू द पावर n, दैट इज a रेस टू द पावर m इंटू n, ये चीज भी आपको ध्यान में रख के चलनी है। फोर्थ, a रेस टू द पावर b रेस टू द पावर का रूट m, तो आप कहेंगे a की पावर b अपॉन m, मतलब ये जो भी रूट होगा वो फ्रैक्शन में चले जाएगा, उसे आप इजीली फ्रैक्शन में लिख सकते हो, दैट डजंट अ बिग प्रॉब्लम, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे कितने भी टर्म्स के जो होंगे हम लोग पावर्स को उनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, अगर बेसिस सेम है देन पावर गेट इक्वल, पावर इक्वल हो जाएंगी, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर पावर इक्वल है तो बेसिस सेम हो जाएंगे, ये चीज भी ध्यान रखनी है ऐसे केसेस में। इन केसेस को सबको ध्यान में रखते हुए आपको आगे चलना है, तो पहले आप इन्हें नोट कर सकते हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे चीजों को समझ रहे हैं और भी डिटेल में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे जो मेरे को आपको बताना है, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूं पर मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा एक बारी अच्छे से ध्यान से। देखिए जैसे कि अगर आपकी टर्म्स हो रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स डैश डैश इंफिनिटी, देन द आंसर विल बिकम्स एक्स, आंसर एक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, रूट सेवन, रूट सेवन, रूट सेवन, सेवन इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा नंबर जो मल्टीपल्स के अंदर प्रेजेंट हो, यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 20 के आपको कंजिगेटिव मल्टीपल्स देखने हैं, कंजिगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 20 इज 4 इंटू 5, ऐसे 20 के मल्टीपल तो 2 इंटू 10 भी होते हैं बट लगातार जो आए वो 4 इंटू 5 है, और प्लस के केस में ऑलवेज बिगेस्ट इज द आंसर इन केस ऑफ पॉजिटिव, इन केस ऑफ प्लस, ऐसे यहां पे प्लस लिख लेता हूं मैं और यहां पे बना लेता हूं ये प्लस का साइन, ठीक है, याद रखना है आपको। बट इन केस ऑफ माइनस आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ माइनस आप क्या करेंगे, देखिए एक बारी, इन केस ऑफ माइनस आपने निकालने कंजिक्यूटिव है बट स्मॉलर वन इज द आंसर इन केस ऑफ माइनस, तो आप यहां पर माइनस को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा केस हो जाए जिस केस के अंदर आपके क्वेश्चन के अंदर, जिस केस के अंदर, मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से, ऐसा केस जिसके अंदर क्वेश्चन में कंजुगेटिव मल्टीपल ना मिले, देन उस केस में क्या किया जाए। देखिए अगर कंजुगेटिव मल्टीपल नहीं है तो, अब देखिए इसके अंदर आप कंजुगेटिव मल्टीपल नहीं निकाल सकते, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो रूट फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर, सॉरी टू,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 11 हो जाएगी. इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3√5. ठीक है, समझ में आ गया. ऐसे ही अगर यहां पे माइनस आ जाए, सब्ट्रैक्ट आ जाए और कंसेक्यूटिव मल्टीपल ना हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 4x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 √45 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3√5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आप इसे नोट कर सकते हैं. हम आगे चलेंगे. प्लीज नोट डाउन. देखिए, कुछ चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इस इन बातों का आप लोग ध्यान रखें कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना होता है और कैसे आपको चलना होता है. हाँ, पहले आपको कुछ स्क्वायर रूट्स को समझना है, जो रूट्स के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे उनको. जैसे कि ये कहता है फाइंड दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है. कन्वर्ट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हल करना है आपको. एग्जाम में इतना इजी या इतना खराब क्वेश्चन, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसका यूज एग्जाम में होता है. तो एग्जाम में यूज होता है इसलिए इस क्वेश्चन को करना पड़ रहा है. वैसे कोई शौक नहीं हमें करने का. तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप याद ध्यान रखिए कि ये जो पावर का रूट है, ये जो रूट है, इसको आपको हटाना है, इसको चेंज करना है. कैसे करना है ये आपकी हेडेक है. आप कैसे करते हो, देखिए, रूट लगाया आपने, आपने देखा दिस इज 2ab, ये 2ab कहलाएगा. क्या कहलाएगा? 2ab. आप ऐसे करेंगे, इसको देखिए, ये क्या कहलाएगा? 2ab. आप क्या करेंगे, इसके मल्टीपल कर लीजिए, 2√2 एंड √3. भाई √6 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 इज इक्वल टू √6. अब क्या करना है, ये 5 बचा, मैं होल स्क्वायर बनाने के फिराक में हूं. होल स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा. आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए, और प्लस करके, ओनली प्लस करके ये आए 5. तो आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3. तो ये किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 + 3 इज 5 एंड √2 एंड √3, यानी ये हो गया मेरा √2 प्लस √3 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर से हमने रूट काट दिया. द रिक्वायर्ड आंसर इज √2 प्लस √3. आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी रूट हो और दो रूट हो, यानी होल स्क्वायर बन ही रहा होगा, या तो प्लस का या माइनस का, यहां पे माइनस आ जाएगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि इसको डिटेल में समझ पाए. जैसे क्वेश्चन दे दिया 10 + 2√21. अब देखिए √21 है. अब √21 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो 10 आए. इट्स लाइक मिडल टर्म स्प्लिटिंग. मिडल टर्म स्प्लिटिंग की तरह ही है ये, कि मल्टीप्लाई करने पर तो 21 आ जाए एंड प्लस करने पर ये नंबर आ जाए 10. और एमटीएस में भी यही होता था मिडल टर्म के केस में. तो आप कहेंगे 2 × √7 × √3. ठीक है, और इसको लिखेंगे √7 + √3 का स्क्वायर. द रिक्वायर्ड आंसर बिकम्स √7 + √3 का स्क्वायर का रूट. ये कट गया, √7 + √3 इज द आंसर. अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए यहां पर नेगेटिव होता तो आप लोग इसको ऐसे नहीं ले सकते, √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2√3 × √7, क्योंकि ये बन जाएगा √3 − √7, ऐसे बन जाएगा इसका आंसर. और अगर ये आंसर जो है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा यहां पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, √7 − √3 ही लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये बस चीजों को समझने वाली बात है, पहले आप नोट कर लीजिए इसको. क्वेश्चन है, इफ एक्स इज इक्वल टू 5 + 2√6 देन फाइंड √x + 1/√x. देखिए आपको ना सारे ताम साम दाम दंड भेद लगा के, अपनी अक्ल लगा के क्वेश्चन को करना होता है. अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप इसका टेकिंग रूट बोथ साइड, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बना के कर लो, तो बहुत लेंदी सा बढ़ जाएगा. आपको अपनी अक्ल लगानी है और कुछ नहीं करना. देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है.
अगर मैं ऐसे कर दूं रूट एक्स प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, आंसर को रूट कर दूंगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, ये कट गया। यानी आपको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी फाइव प्लस टू रूट सिक्स प्लस वन अपॉन फाइव प्लस टू रूट सिक्स, और प्लस टू तो है ही। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, फाइव प्लस टू रूट सिक्स, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पच्चीस प्लस इसका स्क्वायर, फोर सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस फाइव टू टेन टू ट्वेंटी रूट सिक्स प्लस वन प्लस टेन प्लस फोर रूट सिक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और आप इसका लास्ट में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। लेकिन आप अगर देखें तो आपको इसका स्क्वायर रूट तो निकालना ही पड़ेगा, तो आसान तरीका मैं अब आपको बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं आप इसको। सबसे पहले आप रूट एक्स निकालें, यानी रूट एक्स यानी फाइव प्लस टू रूट सिक्स, ये हमने जो निकाला था, ये निकाला था हमने रूट थ्री प्लस रूट टू, निकाला था कि नहीं निकाला था, निकाला था सर। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स की, वन बाय रूट एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री प्लस रूट टू, इन दोनों को आपस में कर देते हैं ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू, इसको कर दिया एलसीएम, ले लिया इसका एलसीएम क्या होगा इसका, तो ये पार्ट उधर मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वन, तीन दुनी छ, छ और एक सात प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस रूट टू। अब एग्जाम में अगर आंसर रैशनलाइज करके दिया हुआ तो रैशनलाइज कर दीजिए, नहीं दिया हुआ तो ना करें, ठीक है। और भी आसान तरीका, अगर आप यहां पर रैशनलाइज कर दें तो इसके साथ इसको प्लस माइनस कर दो, दैट इज द आंसर, टू रूट थ्री इज द आंसर। और भी आसान, मतलब आपके ऊपर है, आप टेक्निक क्या अप्लाई करते हो जिससे क्वेश्चन आसान से आसान बने, ये आपको एग्जाम में जज करना खुद सीखनी है। एक ही क्वेश्चन तीन तरीके से किया जा सकता है, पर जिससे छोटा पड़े हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हम एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए पढ़ रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन के आंसर्स आसान हो जाए। आई बात समझ में? तो अगर मैं क्या करूंगा इसको, ये रूट थ्री प्लस रूट टू था, प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू था, अगर मैं इसको यहीं पर रैशनलाइज कर दूं, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू इज वन, ये कट गया, तो टू रूट थ्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। सबसे छोटा तरीका ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नोट कर सकते हो आप इसको। देखिए क्वेश्चन है, देखिए यहां पे बीच में प्लस है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, पंद्रह हो गया, पांच और तीन उनको ऐड करके आठ भी आ रहा है, यानी रिक्वायर्ड आंसर इज रूट फाइव प्लस रूट थ्री। एक ही स्टेप में करना सीखना है। दोबारा समझते हैं, पंद्रह के फैक्टर करें, दैट इज फाइव एंड थ्री, और फाइव और थ्री पंद्रह के फैक्टर हैं, और आठ यहां पे लिखा हुआ है, पांच और तीन को सम करके आठ आता है, यानी रूट फाइव प्लस रूट थ्री इज द आंसर, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर माइनस होता तो मैं यहां पे माइनस लगा देता। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है सर, ये आ गई बात समझ में। एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की नहीं, रूट एक्स की वैल्यू अब निकालते हैं, वन अपॉन रूट एक्स, उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए वन अपॉन रूट एक्स इज वन बाय रूट फाइव प्लस रूट थ्री। अगर डिनोमिनेटर में दो का गैप है, इंडिविजुअल्स में दो का गैप, तो एक चीज ध्यान रखना, ऊपर हमेशा सेम टर्म आनी है नेगेटिव होके, और नीचे आ जाएगा टू। बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा, तो रूट फाइव माइनस रूट थ्री अपॉन पांच माइनस तीन, दैट इज टू। तो जितना गैप हो उतना लिख सकते हो, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको स्किप करना सीखना है, ठीक है, ताकि आप धीरे 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 समझ सकें। अब अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको चाहिए टू अपॉन रूट एक्स, तो टू अपॉन रूट एक्स मेरा क्या होगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री। अब इसको और इसको अगर आप एड करें, देन योर रिक्वायर्ड आंसर इज टू रूट फाइव।
आई बात समझ में, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं धीरे धीरे और लेवल सीखते जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है दोनों माइनस दे दिए, यहां पे भी माइनस यहां पे माइनस, यानी होल स्क्वायर जो बनना है वो माइनस का बनना है। 35 के फैक्टर क्या होंगे, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 35, 7 5 35, और 7 और 5 12 भी होता है, यानी 7 माइनस 5 का रूट लेना है आपको, ठीक है। 1 अपॉन रूट एक्स क्या होगा, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5। अब ऑब्वियस है नीचे 2 का डिफरेंस है, ऊपर आएगा पॉजिटिव क्योंकि जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो प्लस आता है, और नीचे आ जाएगा 2। मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको 2 से, यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर आएगा रूट 7 प्लस रूट 5। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करने कैसे बैठते हैं सर, माइनस लगाया ये और ये कट गया, माइनस लगाया यानी माइनस 2 रूट 5 इज द आंसर। आगे बात समझ में, नोट कर सकते हो आप इसको। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये फॉर्मूलाज हैं। देखिए क्या है फॉर्मूलाज, फॉर्मूला कहते हैं सर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4ab। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस 4ab। दीज थ्री आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज इन आर क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, ये चीज ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, देखिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं तो उसमें ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। देखिए सर, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैसे कि रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 4ab। तो 4 रूट 5 इंटू रूट 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 4 रूट 15। आई बात समझ में, आसान है क्वेश्चन। 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 4ab पे जाएगा, तो माइनस 4ab, 4 3 12 2 24 रूट 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नोट कर सकते हो आप इन दो क्वेश्चन को, मैंने आपको पहले बोला ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन पे हम, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन, टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। सर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 का 4 हो गया, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, सीधी सी बात है, मतलब एलसीएम लिया दैट इज 1। ये हो गया 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये किस आइडेंटिटी पे लग रहा है, माइनस 4ab पे, यानी माइनस 4 इंटू 2 इंटू रूट 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 रूट 3। दूसरा देख लो एक और,
root 7 minus root 5 upon root 7 plus root 5 plus root 7 plus root 5 upon root 7 minus root 5. सर अगर हम इसका LCM लेते हैं then we get 2, क्योंकि इसका square minus इसका square a plus b a minus b that is always equals to a square minus b square. ठीक है, इधर हो जाएगा root 7 minus root 5 का square plus root 7 plus root 5 का square. सेम आइडेंटिटी माइनस फोर ए बी डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि टू तो नहीं चाहिए तो आंसर आ गया मेरा माइनस टू ए बी. क्यों आ गया माइनस टू ए बी? बिकॉज आप टू से इसको काट सकते हैं. तो आपका आंसर आया माइनस टू रूट 35 इज द रिक्वायर्ड आंसर. माइनस का स्क्वायर देन प्लस का स्क्वायर. अच्छा बीच में प्लस है, सॉरी, इसके बीच में प्लस था, ये तो देखा ही नहीं है ना. तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे. हाँ, तो टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 7 प्लस 5 12 यानी 24 आंसर. ठीक है, और टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू भी तो है, तो 12 आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं. क्यूब की आइडेंटिटीज पर आ गए, क्यूब की. ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोला जाए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर. अगर हो जाए a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर. ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टू टाइम्स ए क्यूब प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर. ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू टू टाइम्स बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी. ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू माइनस टू बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी. ठीक है, क्योंकि वो इसी का नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बस नेगेटिव आ जाना और कुछ नहीं हुआ. ठीक है, नोट कर सकते हो आप पहले इन आइडेंटिटीज को. देखिए जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी यूज होएगी तो वेल एंड गुड है, नहीं होएगी तो और भी बढ़िया है. देखिए आपको सिर्फ अपने अकल का इस्तेमाल करना है और उसके बाद क्वेश्चन को हैंडल करना है. देखिए क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में वो हमें आ रहा होता है, बट हम लोग उसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है, टाइम हमारा बहुत निकल जाता है. हमें उसी टाइम को सेव करना है, बचाना है अपने दिमाग को लगा के. ठीक है, पहले दो आइडेंटिटीज और देख लीजिए यहीं पर ही. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, दीज ऑल आर द फाइनल आइडेंटिटीज ऑफ दिस चैप्टर, मतलब दिस टॉपिक. ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत और आएंगी आगे, बट यहां पर आपको अकल का इस्तेमाल करना है. एक चीज ध्यान रखिए सर, सबसे पहले देखिए होता क्या है, बच्चे आप लोग एग्जाम में जाते हैं, स्कूल सॉरी अलग अलग कोचिंग क्लासेस जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं. मैं भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर में पढ़ा चुका हूं, मुखर्जी नगर में इवन पढ़ा भी रहा हूं, बट मैं आपको उसका प्रमोशन नहीं करूंगा यहां पर कि मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं या कहां पर पढ़ा रहा हूं. मैं आपसे मेन बात पर आऊंगा, मेन मुद्दे पर आऊंगा. आप लोगों को फॉर्मूला एक दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है उसको फॉलो करो, उससे क्वेश्चन करो. अब जब एग्जाम में बैठते हो ना, जब आप टीचर की सुन रहे होते हो, आपने टीचर की सुनना एक बहुत अच्छी बात है. आपने सुना, टीचर ने पढ़ाया, आपने देखा फॉर्मूला बताया उन्होंने, आपने कहा यार बढ़िया, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया यार, इससे तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं. बट वो एक लिमिटेशन है,
वो एक लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पर होता क्या है, अगर आप उस फॉर्मूले की अहमियत को समझ लो या प्रॉपर्टी को समझ लो, तो उसके जैसे 100 क्वेश्चन और कर पाओगे, उससे थोड़े हटके या अलग होके। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताऊंगा कैसे, आपको बस पता होना चाहिए कि कब किस केस में क्या यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार क्वेश्चन है, ए बराबर रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्रू रूट टू, बी बराबर ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब उसने बोला है कि फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड, आपको फाइंड करना है ये, चलो ठीक है, हम इसको करने के लिए बैठ जाते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने निकाला ए, ए आप अगर निकालें इसको रैशनलाइज करके तो क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में तो सेम ही टर्म आएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी माइनस टू रूट थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव माइनस टू रूट थ्री, ठीक है, सेम इधर होगा फाइव प्लस टू रूट थ्री, ये आ गया ए। अब क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25 प्लस चार तिया 12 प्लस टू ए बी, पहले आपको इसका स्क्वायर करना है, बाद में करेंगे ना, पहले ए बी तो निकाल लें, ए बी तो अपन ने निकाले नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट, पच्चीस माइनस चार तिया 12 यानी 13, पांच पंजे 25 माइनस दो दूनी चार तिया 12, फाइव प्लस टू रूट सिक्स है ये, हाँ तो टू रूट सिक्स अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस चार छिक 24, यानी आंसर आया 1, ठीक है, ए बी की वैल्यू 1 आ गई। अब सारी वैल्यू डाल देते हैं, 5 प्लस टू रूट सिक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आप कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे अगर आप अपनी अक्ल को थोड़ा सा लगा लेते, और वो सारे फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी पता है, बट उनका यूज करना आपको नहीं आता है कि कब कैसे और कहां यूज किया जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपने उनको इस्तेमाल पहले किया है पर यहां नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट नो प्रॉब्लम, चलता है, ठीक है। अब देखिए जरा, आपके पास टर्म थी, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। आपने देखिए बहुत सिंपल सी कहानी है, आपने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया ए माइनस बी से और नीचे मल्टीप्लाई करा ए प्लस बी से, ऐसा तो कर नहीं सकते हम, तो एक काम करते हैं ए प्लस बी से ऊपर भी मल्टीप्लाई, ए माइनस बी से नीचे भी मल्टीप्लाई, ये कहानी बाद में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इनटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ठीक है। ए आप निकाल चुके हो फाइव प्लस टू रूट सिक्स, बी आप निकाल चुके हो फाइव माइनस टू रूट सिक्स, इन दोनों का सम 10 होगा, यानी इसको ऊपर करना है 10 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, नीचे आपको किससे करना है माइनस करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 से 5 कटा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 2 रूट 6 एंड 2 रूट 6 इज 4 रूट 6, यानी 4 रूट 6 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहे हो, यानी इसका क्यूब करना है माइनस इसका क्यूब करना है, कितनी सारी चीजें आपकी कट जाएंगी, ये चीज समझो पहले, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए और कुछ नहीं है। देखो कैसे कट जाएंगे, बहुत सारी चीजें, जैसे 5 प्लस टू रूट सिक्स का अगर आप क्यूब करते हो, भाई ऊपर यही है ना, और नीचे क्या है 5 माइनस टू रूट सिक्स का क्यूब, अब जब क्यूब करोगे ना तो क्या होगा, 5 क्यूब प्लस टू रूट सिक्स का क्यूब प्लस 3
ए बी ए प्लस बी, ए प्लस बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है, माइनस 5 का क्यूब प्लस 2 रूट 6 का क्यूब, फिर माइनस आएगा ये प्लस बना देगा, प्लस 3 ए बी ए माइनस बी, ठीक है, ये कट गया है, देखो कट गया, 2 रूट 6 का क्यूब और 2 रूट 6 का क्यूब 2 टाइम्स कितना होगा ये बताओ मुझे, 4 इंटू देखो 8 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 दैट इज इक्वल टू 8 6 48 रूट 6, यानी ऊपर आ गया 48 रूट 6, ठीक है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो क्यूब्स है ना ये आप इजीली दिमाग में कर सकते हो, पर आप लोग करते नहीं हो, आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा, वैसा कुछ नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। 48 रूट 6 ये पार्ट, 3 ए बी, ए बी की वैल्यू 1 थी, ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं 10 आया था, यानी 10 30 हो गया ये, प्लस 3 इंटू ए माइनस बी 4 रूट 6, यानी ये होना है 30 प्लस 12 रूट 6, ये आंसर आ गया ऊपर। अब नीचे क्या आएगा ये देखते हैं, अगर यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे बस प्लस करना है तो ये नहीं कटेगा, 125 125 250 जो नहीं कटा है वो बच जाएगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये आपका कितना आया था 30 आया था, और ये आपका कितना आया था माइनस हो जाएगा ये 312 रूट 6, ये आंसर आ गया, 250 प्लस 30 माइनस 12 रूट 6, इसको आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आपको जोन सा मेथड ज्यादा बढ़िया लगे आप वो अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, यू गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे बढ़िया समझने में ज्यादा टाइम लगता है, उसको करने में कम टाइम लगता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस, देखिए एक चीज क्लियर है कि जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट वन माइनस रूट टू, फिर ऊपर आ जाएगा रूट टू माइनस रूट थ्री, भैया नीचे वाला तो वन वन बनता जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। हंड्रेड रूट टू से ये गया, रूट थ्री से ये गया, रूट फोर से ये जाएगा, करते करते ऐसे ये भी उड़ जाएगा, आई बात समझ में, तो आंसर क्या आया रूट वन माइनस रूट हंड्रेड, रूट हंड्रेड यानी 10 माइनस 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है दिखने में, है ना। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लगने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक बड़ा सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है, थ्री, बड़ा बड़ा थ्री लिख दिया। अब क्या किया, जितनी पावर यहां दिख रही है 4 10 12 6, 4 × 10 × 12 × 6 डिवाइडेड बाय जितनी रूट की दिख रही है 3 8 5 6, 3 8 5 और 6, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थ्री की पावर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज इक्वल टू 9 9 81। देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, मतलब इतनी जल्दी तो हम उतार भी नहीं पाए थे जितनी जल्दी नोट वो हो गया, कॉपी हो गया, नोट कर सकते हो, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। देखिए
फिर वैसे ही करना है, पांच लिखना है बड़ा बड़ा, पांच लिखा बड़ा बड़ा, चार इंटू बारह इंटू दस इंटू चार डिवाइडेड बाय पांच, चार बारह दस चार, पांच छः आठ है ना, पांच इंटू छः इंटू आठ। लेकिन ये रूट के आगे कभी भी दो नहीं लिखा होता, लेकिन वो टू से डिवाइड होता है, ये ध्यान रखना। बस ये क्वेश्चन इसलिए बताया मैंने आपको ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। एक सौ पच्चीस इज द आंसर, ठीक है, पांच की पावर चार है ना, सॉरी छह सौ पच्चीस इज द आंसर, नोट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यहां से इसको करेक्शन में डाल देना यार गौरव, करेक्शन में डाल देना, कमर में दर्द हो रहा है एकदम ज्यादा। नहीं यार कमर में मेरे ना पता नहीं क्या हुआ है, रात में ठीक हो गया था, स्टॉप कर दो।